भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों की देश भर में हो रही निंदा और आलोचना का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को घेरने की जरूरत भाजपा को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही आंतरिक मुद्दों में उलझे हुए हैं। राठौड़ ने कहा कि यदि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के नेतृत्व और आरक्षण जैसे मुद्दों पर विवादित बयान देंगे तो स्वाभाविक रूप से देश में उनके वक्तव्यों की निंदा होगी। भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जिससे कांग्रेस नेताओं में भय का माहौल है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास उत्साहवर्धक है, जिन्होंने महाराष्ट्र में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया। शर्मा की जापान यात्रा से भी राजस्थान में निवेश के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान के प्रमुख निवेशकों ने CM को आश्वस्त किया है और मुख्यमंत्री ने राजस्थान में संसाधन मुहैया करवाने का वादा किया है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और उनके जापान दौरे से लौटने पर प्रदेशवासियों ने उनका स्वागत करने की तैयारी कर ली है। बुलडोजर राजनीति पर बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि कोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर भी कभी भी रोक नहीं लगाई है। अतिक्रमण हटाना प्रशासन की प्राथमिकता बनी रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि भाजपा में भ्रष्टाचार को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए कहा कि परिवर्तन संभव है और भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। राहुल गांधी जी ऐसा वक्तव्य देते ही क्यों है? विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र करते ही क्यों है? अब वो ऐसा गलत काम करेंगे तो फिर थोड़ा हमको सावधान तो होना ही पड़ता है। कांग्रेस को कहाँ घेरेंगे हम? कांग्रेस तो घिरी हुई है अपने आप ही, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हमने कभी कांग्रेस में नहीं, हम तो अपना परिवार संभाल रहे हैं, हमारा परिवार सुदृढ़ कर रहे हैं, और उनको यदि लगता है कि ये सुदृढ़ हो रहे हैं और वो भय खावे तो उनकी मर्जी है, हमको कोई तकलीफ नहीं। अब ये बात कोई है नहीं। देखिए, अग्रिम जमानत में शर्तें होती है और रेगुलर बेल में कोई ऐसी शर्तें नहीं है। वो रेगुलर बेल हो गई, ख़त्म हुआ चैप्टर। बहुत उत्साहवर्धक वो लेकर के आ रहे हैं। पहले देखिए, मुख्यमंत्री जी गए थे महाराष्ट्र में तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लेकर के आए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। राजस्थान में संपन्नता बढ़ेगी, जब यहाँ औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित रूप से कईयों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं विदेश, इसमें कोरिया और जापान भी गए हैं, वहाँ के भी जो सूचनाएं मिल रही है बहुत उत्साहवर्धक है। कई अप्रवासी हिंदुस्तानी वो राजस्थान में आकर के उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी स्थायी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। हम जो कहते हैं, जो वायदा कर रहे हैं आपसे कि हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको बिजली उपलब्ध कराएंगे, हम आपको पानी देंगे, हमारे यहाँ कच्चा माल है, हमारे यहाँ स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स उपलब्ध है और हमारे यहाँ मार्केट है। जब कच्चा माल भी मिल जाएगा और मार्केट भी मिल जाएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा हमने एक वातावरण दिया है। और वो जब यहाँ आएंगे तो हम अपने एक अधिकारी को एक एक उद्यमी के साथ में एक सचिव स्तर का अधिकारी लगा देंगे, तो उनको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विभाग में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बिजली का कनेक्शन चाहिए तो तुरंत वहीं पर एक्सियन को बुला करके कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए वहीं फॉर्म भरवा करके साइन करा करके दे देंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम दे करके विद इन 2 or 3 days हम उनको कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। हमने ये जो भी वायदे जो हमारे मुख्यमंत्री जी करके आएंगे हम उसको पूरा करेंगे। हम हमारे जो उद्यमी जो अपने गाड़े पसीने की कमाई हिंदुस्तान में लगाना चाहता है उसको एक स्थायी सरकार और स्थायी वायदा, जो वो वायदा करके आएंगे उसको हम निभाएंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और पहले जो कच्चा माल हम निर्यात करते थे, अब कच्चा माल का निर्यात नहीं करेंगे हम, हमारा उत्पादन बाहर बेचेंगे जिससे हमारे यहाँ पर संपन्नता। हाँ, मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, हमारा पूरा राजस्थान पलक पांवड़े बिछा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक उद्यमशील है। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है।
तो जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर पूरा राजस्थान स्वागत के लिए आतुर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त मत करो, कभी भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का मना ही नहीं है। अवैध निर्माण तो अतिक्रमण तो हटाए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आगे बैठाए जाते रहेंगे। अतिक्रमण तो हटाना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ बचेगा नहीं, सड़कें नहीं बचेगी, रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लोग जन उपयोगी जो ज़मीनें हैं जो जनता के लिए छोड़ी गई है वो भी नहीं बचेगी, बगीचे नहीं बचेंगे, पाथ नहीं बचेंगे, तो ये क्या बात होगी। आपने शायद महर्षि वाल्मीकि का सुना होगा, इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बने। महर्षि, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ तो इस बात को तो हमको समझना ही पड़ेगा कि कल क्या था उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ आया है, हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कानून कानून का काम करेगा। कानून में जिसको सज़ा मिलनी है सज़ा मिलेगी, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। देखिए, शुद्धिकरण हर कोई का होता। मैंने वाल्मीकि का उदाहरण आपको दिया, नहीं एक मिनट, मैंने वाल्मीकि का इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दूँ मैं कि पहले का इतिहास क्या था। लेकिन यहाँ आकर के यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी आए लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करें।